अरे खाना, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है भाभी, ये मेरे आगे रखा है तो मेरे लिए हुआ ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने तुम्हारे भैया के लिए लगाया है। तुम्हारे लिए मैं दूसरी थाली लगा के लाती हूँ, वहां बैठो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें, वहां बैठो। हाँ भाई, क्या बात, उदास क्यों बैठा है? नहीं भैया, कुछ नहीं। अच्छा और बता, नाश्ता कर लिया? नहीं, भाभी ला रही है अभी। अरे तो ये लेना, खा शुरू कर। नहीं, आपके लिए है, आप खाओ। अरे भाई, इसमें तेरा क्या मेरा क्या, जो आएगा ना उसे मैं खा लूंगा, तू खाना शुरू कर, ये ले। अरे वाह, क्या बात है, अपने देवर के लिए तो सब्जी भी सलाद भी, और मेरे लिए सिर्फ चटनी और रोटी। वो मैं भूल गई थी, लाती हूँ। भैया, मेरे को ना आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल। वो भैया, मेरे को ना आपसे थोड़े से पैसे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मार्केट में ना 2-3 ई रिक्शा चलवा देता हूँ। भैया मैंने ना पूरा एस्टिमेट लगा रखा है, खर्चा पानी करने के बाद भी ना 20-30 हज़ार महीना आराम से बच जाएंगे। बाकी 15-15 हज़ार रुपये में ड्राइवर आ जाएंगे 2-3। वैसे तेरे को कितने पैसे चाहिए? अभी के लिए मेरे को ना 3.5 लाख रुपये दे दो, मैं 2-3 ई रिक्शा खरीद लूँगा। बाकी थोड़े बहुत खर्चे मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं इंतजाम करता हूँ, तू शाम तक ले लियो मेरे से। ठीक है भैया। गगन, जरा एक मिनट सुनना। आया, चल तू खाना खा, मैं अभी आया। हाँ बोलो। कोई जरूरत नहीं उसे पैसे देने की। अरे लेकिन क्या हुआ, इस बार तो वो काम के लिए पैसे मांग रहा है। कोई काम वाम नहीं है इसे, पागल बना रहा है, जुए बुए में हार गया होगा इसलिए मांग रहा है। देखो बात ऐसी है, मैं ना आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे को इस बात पे ना बार बार लड़ाई नहीं चाहिए इस घर में। तुम भूल गए ना, इसकी वजह से कितनी बार हमें सुनना पड़ा है। छोटा भाई है वो मेरा, और उसके हर काम को संभालने की जिम्मेदारी ना मेरी है। और मेरे को ये भी पता है कि उसकी ना कुछ आदतें खराब है, गलत है, और उस चीज के लिए वो मेरे से ना डांट भी सुनता है। और जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा ना, उसे भी समझ आ जाएगा कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। और जब उसे इन बातों का पता चल जाएगा ना कि वो गलत कर रहा है, तो वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाएगा। और तुम क्या बात कर रहे हो पैसे की, पैसा है आने जाने वाली चीज, पैसा तो दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन मेरा भाई एक बार चला गया ना, वो वापिस नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात की तो कोई वैल्यू है नहीं, तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे मन में है। जाओ करो, लुटाओ अपने भाई पे पैसे। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तेरा बहुत नुकसान किया है, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने दम पे तुझे कुछ बन के दिखाऊंगा। आज मेरा भाई ना सच में बड़ा हो गया।